इस वक्त डी चौक में जो है वो चार खवातीन को गिरफ्तार किया, उसमें से दो मर्द थे, वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे। खवातीन का हमने देखा कि किस तरह गिरफ़्तार किया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की कि उनको तरीके से जो है कंट्रोल में करे, लेकिन खवातीन का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हम तो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, पुरमन एहतजाज कर रहे हैं, और पुलिस का इस तरह गिरफ़्तार करना ठीक नहीं है। अब दूसरी जानब मैं देख रही हूँ कि तहरीक इंसाफ के कुछ सामने यहाँ पर कारकुनान शायद आए हुए हैं, जिसके पीछे पुलिस जो है वो बागी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफसी जो है वो तैनात की गई है, एफसी भी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, और किसी को भी इस डी चौक में जो है वो इजाज़त नहीं है कि वो एहतजाज करे। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है डी चौक से। यहाँ पर कुछ तहरीक इंसाफ की खवातीन आई हैं और उनको उन्होंने ये गिरफ़्तार कर रहे, और ये सूरत हाल है फ़िलहाल, और उनको कह रहे हैं कि हमें आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, और आप ये इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है इस तरह। मत मुझको घसीटो, तुम कौन होती मुझे घसीटने वाली? मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, मगर तुम लोग हम कर क्या रहे हैं मुझे ये बताएं। कुछ भी नहीं, आप हम क्या कर रहे हैं मुझे बता दें सर। आप मैम हम आराम से बैठे और आप हमें घसीट रही हैं। लेडीज पुलिस को बैठ के हम आपको बिल्कुल नहीं घसीट रहे। नहीं आप घसीट रही हैं मुझे। नो, 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 नहीं नहीं मुझे बताएं हमारी गलती क्या है। हम सिर्फ बैठे आराम से उस बन्नी पे। खबरदार तुम लोग क्यों मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? आप आए तो नहीं आओगी, नहीं आओगी, ये मेरी सरजमीन है, ये पाकिस्तान की सरजमीन है, नहीं आओगी, नहीं आओगी, नहीं आओगी। छोड़ दो मुझे, खबरदार तुमने मुझे बैग में बिठाया। देखो मेरी बैग बहुत खराब है, साइड पे खड़ी हो जाए। खबरदार तुझे बैग को, खबरदार छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो, तो मैं मुक्का मारूं। यहाँ पर इनको भी जो है प्रेजेंट, यहाँ पर तरीके इंसाफ के एक और वर्कर को। और मेरी बात तो सुनो, और मेरी बात तो सुनो भाई, और मेरा एक काम ही नहीं है। और मेरी बात तो सुनो, मेरा क्या काम है? और बात तो सुनो, ऐसे आप वो कर रहे हैं तो मैं गरीब घास लेकर आपके रास्ता, और मेरा क्या काम है? और यार आप छोड़ो भाई, और मेरा काम नहीं कहीं और ले जाया। ये प्रिजन वैन में खवातीन को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है, और ये फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ खवातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है।
इस वैन में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, चार खवातीन थी और इनको ले जाया जा रहा है। अभी जी सारे ठीक है? यस सर। बिल्कुल। यस सर। नो टॉक। नो सर। जस्ट एक्शन। यस सर। सारे पीछे वाले बाबा जी सारे ज्यादा बुढ़े नहीं हो बाबा जी सर ठीक है ना? फिर सबसे मिला सबसे जब इनसे दादी मैंने कहा क्या सूरत है किस तरह 30 साल हो हम काम करेंगे। गुड। हां जी क्या हाल है आपके? ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल पीछे रखिए। गुड। पीछे अली जी सर हमें भी हौसला दे दें थोड़ा सा और ले रहे हौसला आप हमें भी दे दें सर काम दिया सर थोड़ा सा मीडिया टॉक कर ले सर टॉक ही टॉक है सर हमने तो आज हमारा स्लोगन ही नो टॉक जस्ट एक्शन। हां जस्ट एक्शन तो आप हमें कहते टॉक करें ये तो बिल्कुल अगर ये एक्शन हुआ तो मामला खराब हो जाएंगे ना। अल्लाह काम करेगा मैम हमारे सिर्फ शरंगेज जो शरंगेजी करेंगे उन्हीं के खिलाफ एक्शन बाकी तो वी आर वी बिलीव के हाथ शहरी की लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सर कुछ नहीं टॉक नहीं करेंगे। देखें अभी अभी जो तमाम जो जो गुफ्तगू है अभी तमाम मिनिस्टर साहब इंटीरियर भी तशरीफ लाएंगे और हम इधर ही हैं वो बात भी आपसे करेंगे आपको तमाम चीज़ें बताएंगे भी तमाम बताएंगे तो आई फील कि वो बात करेंगे तो शकील भाई बेहतर अंदाज पे सर, तमाम सर अभी यहाँ पे कुछ शहरियों को गिरफ्तार किया गया तो क्या समझते हैं इस्लामाबाद पुलिस का रवैया ठीक है शहरियों के साथ? जहाँ तक है मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करता चलूँ कि हम सिर्फ एक चीज़ में बिलीव करते हैं दैट इज़ दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स मैन वन सेकेंड जहाँ तक रह गया जो आपने पॉइंट बताया है बिल्कुल मैम प्रॉप कर लूँगा आई एम हेयर टू प्रॉप द थिंग्स चीज़ों को देखने के लिए अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ होगी मैम तो इंशाल्लाह ताला जरूर देखूँगा और जहाँ तक रह गया वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी मेरिटोक्रेसी फेयर प्ले और वो तमाम चीज़ें आपको होती नज़र इंशाल्लाह लाएंगी। अभी जैसे मैंने बताया निसा तशरीफ़ लाएंगे वो आपसे डिटेल में बात करेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर इधर ही हूँ आपके साथ हूँ ज़रा एक राउंड लेके फिर आपके पास आता हूँ। थैंक यू।